नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों आज हो चुकी है 30 जनवरी 2021 और IPL 2021 के ऑक्शन के दिनों में एक दिन जो है वो और कम हो चुका है। अब यहां से ऑलमोस्ट 18 दिन जो है वो रह गए हैं ऑक्शन के, जहां पर दोस्तों 18 फरवरी को ये ऑक्शन स्टार्ट होना है चेन्नई में। और टीमें जो है वो जोरों शोरों से इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं, जहां पर RCB ने डेनियल सैम्स और हर्षल पटेल को ट्रेड किया था। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स से रॉबिन उथप्पा को ट्रेड किया था। इसके अलावा दोस्तों किसी भी टीम ने किसी भी खिलाड़ी को ट्रेड नहीं किया है, ना ही टीम जो है वो अब शायद ट्रेड करेंगी। हालांकि दोस्तों 11 फरवरी लास्ट डेट है ट्रेडिंग विंडो की, उसके बाद ऑक्शन तक ये विंडो बंद हो जाएगी और उसके बाद वापस से ऑक्शन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद वापस से ये विंडो जो है वो वापस से ओपन कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ट्रेडिंग को लेकर ये सब चीज़ थे। और वहीं पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी IPL टीमों के प्रोबेबल कोचिंग स्टाफ के बारे में, जहां पर दोस्तों कौन सी टीम के कोचिंग स्टाफ कौन से हैं, किन टीम ने अभी तक बदलाव किए हैं अपने कोचिंग स्टाफ में और किन्होंने नहीं, क्या रह सकता है IPL 2021 में कोचिंग स्टाफ सभी टीमों का, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो दोस्तों यहां पर हम जो है हर टीम का दो दो कोचेस के हम आपको नाम बताएंगे और जो बाकी के कोचेस की लिस्ट होगी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों सभी कोचेस के नाम बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों फिर आपको भी वीडियो थोड़ी बोरिंग लगेगी। तो यहाँ पर जो बाकी के कोचेस होंगे वो आप स्क्रीन पर लिस्ट में देख लीजिएगा और हम मेन दो कोचेस के नाम आपको बता देंगे हर टीम के। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में अपने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को चेंज किया है और कुमार संगकारा को इन्होंने अपना नया डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कोच अनाउंस किया है। वहीं पर दोस्तों इसके अलावा इनका जो हेड कोच है वो है यहाँ पर एंड्रयू मैकडोनल्ड को इन्होंने अपना हेड कोच बनाया है और कुमार संगकारा जो है वो इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होंगे। वहीं पर दोस्तों बात करें KKR की, तो दोस्तों KKR के जो हेड कोच हैं वो होंगे ब्रैंडन मैक्कुलम, पिछले साल भी यही रहे थे। और इसके अलावा जो इनके असिस्टेंट कोच रहेंगे वो रहेंगे अभिषेक नायर। दोस्तों पिछले साल भी यही कोचिंग स्टाफ था और इस साल अभी तक तो इन्होंने कोई बदलाव किया नहीं है और आगे अगर करते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही कोचिंग स्टाफ जो है वो रहने वाला है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का जो हेड कोच है वो है यहाँ पर ट्रेवर बैलिस जो है वो इनके हेड कोच हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट कोच हैं वो हैं दोस्तों ब्रैड हेडिन इनके असिस्टेंट कोच हैं। इसके अलावा दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और जो हेड कोच हैं वो दोनों ही जो पद हैं वो यहाँ पर अनिल कुंबले के पास में है और ये एक लौते इंडियन कोच है किसी टीम के। बाकी सभी टीमों के जो हेड कोच हैं वो सभी विदेशी हैं, केवल पंजाब के ही देशी हैं। बात करें दोस्तों इनके असिस्टेंट कोच की, तो इनके असिस्टेंट कोच हैं एंडी फ्लावर। इसके अलावा दोस्तों बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हेड ऑफ डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है माइक हैसन, जिनको पिछले साल इन्होंने अपॉइंट किया है। इसके अलावा जो हेड कोच हैं वो हैं साइमन कैटिच। और दोस्तों बाकी के लिस्ट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं पर दोस्तों बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के जो हम बोल सकते हैं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है वो है जहीर खान। इसके अलावा जो हेड कोच हैं वो है यहाँ पर महिला जयवर्धने। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई की टीम की जो हेड कोच हैं वो हैं स्टीफन फ्लेमिंग और इसके अलावा जो बैटिंग कोच हैं वो हैं इनके माइकल हसी। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हैं रिक्की पॉन्टिंग और बात करें असिस्टेंट कोच की तो वो हैं यहाँ पर मोहम्मद कैफ। तो दोस्तों ये थी सभी टीमों के कोचिंग स्टाफ की लिस्ट अभी तक। दोस्तों इसमें केवल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुमार संगकारा को अपना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया है, इसके अलावा किसी भी टीम ने अपने कोचिंग स्टाफ में चेंज या बदलाव नहीं किया है। अगर आगे करती है कोई टीम तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे हमारे चैनल पर। तो उसके लिए आपको केवल सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, तभी आपको हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।